हालेलुया, एक बड़ी गवाही, एक बड़ा चमत्कार। एक सिस्टर जिसको 17 साल से कोई भी औलाद नहीं थी, जिससे वो बहुत परेशान थी और बहुत सारे तांत्रिक बाबों के पास जाना शुरू किया, डॉक्टरों के पास जाना शुरू किया, बहुत सारी मेडिसिन खाई, लेकिन तब भी कोई फ़र्क ना पड़ा। फिर उसके बाद इन्होंने तांत्रिक बाबों के पास जब जाना शुरू किया, लाखों रुपये खर्च किए, तब भी कोई फ़र्क ना पड़ा। और इनको लगता था कि शायद इनकी अभी कभी भी औलाद नहीं होगी, शायद हमारी किस्मत में औलाद नहीं है। और इसी दौरान इनको बहुत सारे लोगों की बातों का सामना करना पड़ता था और बहुत सारे तांत्रिक बाबों के पास जाने से उल्टा दुष्ट आत्माओं ने इनके जीवन में काम करना शुरू कर दिया और जिससे इनकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी दुष्ट आत्माओं ने। लेकिन तब भी इनको किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, लेकिन पहले तो इन्होंने सोचा कि ये हमारा धर्म नहीं है, ये गोरों का धर्म है। लेकिन सब कुछ करने के बाद जब कुछ हल ना मिला, तो फिर उसके बाद इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में आना शुरू किया। और पहली मीटिंग में ही परमेश्वर के दास अपोस्टल सुखपाल राणा जी के द्वारा इनकी बॉडी से दुष्ट आत्माओं को निकाला गया और उसी दिन से परमेश्वर ने इनकी जितनी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम थी सारी खत्म कर दी। और जो काम 17 साल से कभी नहीं हुआ, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में किया। उसके बाद ये सिस्टर प्रेग्नेंट हुए और फिर उसके बाद परमेश्वर ने कैसे इनको बेटे के साथ ब्लेस किया, आइए ये गवाही को इनके मुंह से सुनते हैं। सारिआं नूं जय मसीह दी। मैं परमेश्वर दा, परमेश्वर दे दास दा, सुखपाल राणा जी दा बहुत धन्नवाद करदी हाँ। मेरा नाम हरजीत कौर आ, मैं पिंड सरली खुरद दे रहिण वाली हाँ, जिला तरन तारण दे रहिण वाली हाँ। मैं अज अपने जीवन की बहुत वड्डी गवाही देन जा रही हाँ। 17 साल पहला साड़ी मैरिज हुई, उस तो बाद हर एक लेडी की चाहत होंदी है कि मैं मां बणा। अहीं एक साल वेट की पर मां नहीं बन पाई। मैं उस तो बाद दवाइयां खानियां ही शुरू कीतियां। 2-4 साल साढ़े इस तरह दवाइयां खांदे ही लंघ गए। उस तो बाद सानू किसी ने सियाणियां दस पौनी शुरू की, इस तरह सियाणियां दे जाना शुरू किया, दवाइयां खानियां शुरू कर दियां, कोई भी रिजल्ट सानू नहीं मिलता। उस तो बाद मतलब कि मैनू दुनिया ने ताने मेने मारने शुरू करते कि ये बांझ आ, ये तो ये नालों अपने नौवां नूं मेरे नालों दूर रखना शुरू करता, पेदा माड़ा परछावां ना पै जाए, नवें बच्चा किसी दे होना उन्हां वी मेरे सामने ना लिआउणा। इस तो बाद मैं बहुत दुखी हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान ही अपनी जिंदगी चों कि मैं की करा। मैं अपने जीवन तो मर जाना ही चंगा समझदी कि मैं जीवन तो बगैर मरना ही वधिया वा मेरे वास्ते। बहुत परेशान ही मैं जीवन तो, कोई भी मैनू कितों भी रिजल्ट नहीं ही मिलता अपनी मतलब कि बेबी होण बारे। फिर सानू किसी ने एक बाबे बारे दस पाई कि इह किसी जगह ते सियाणा बाबा हैगा वा, उहनू तुसीं पैसे दोगे तुहानू फल पाएगा ते फिर तुहानू बच्चा मिल सकदा वा। असीं पैसे भी दे के आए, फल पवाया भी तुहानू प्रैगनेंट हो सकदे तुसीं, पर कोई रिजल्ट सानू मिलिया ना। उत्थों भी बहुत दुखी हो गए असीं, परेशान हो गए, आस तो बहुत लाई कि सानू इतों मिल सकता वा, पर कोई भी रिजल्ट इतों भी सानू ना मिलिया। अं होर दुखी परेशान हो गए। फिर कभी डॉक्टर को चल जाना, डॉक्टर ने कभी मेरे पति से दस देनी कि इन्हों की प्रॉब्लम है, इन्हों की कमी आ, तुसी माँ नहीं बन सकते, कभी मेरे से दस देनी। रिपोर्टा च भी कुछ ना आना, मेरे पति दिया रिपोर्टा च आ जाना कि मतलब कि इन्हों च प्रॉब्लम हैगी है। सानू कुछ भी समझ नहीं आती, अं अपनी जिंदगी च बहुत हार गए ही, परेशान हो गए ही, हर बन्ने दुखी ही। जे सियाणे को जाने उस बन्ने भी दुखी हो गए ही, डॉक्टर को जाने हैं उस बन्ने भी दुखी हो गए ही, कोई बन्ने रिजल्ट ही नहीं मिलता सानू। जदों अं सारे डॉक्टर को भी होए, सियाणे को भी, जिंदगी बिल्कुल कोई रिजल्ट ना मिलिया, फिर अं अपनी जिंदगी पूरे हार गए। असी थक टुट गए कि हुण साडे औलाद है ही नहीं है कर्मां च, बहुत परेशान ते दुखी हो गए। इस तरह ही कोई रिजल्ट सानू मिलिया ना अपने जीवन च, हुण हार हंभ के बह गए कि साडे औलाद है ही नहीं आ कर्मां च, बिल्कुल औलाद साडे है ही नहीं आ। बहुत दुखी परेशान हो गए अहीं अपने जीवन दे विच। जान नाल बाबियां को जान नाल, तांत्रिक बाबियां को जान नाल, फिर साढ़े जीवन च मेरे उपर
दुष्ट आत्मा का मतलब कि असर हो गया। दुष्ट आत्मा मेरे उपर खेड़दियां हुंदियां ही मैं बहुत ज़्यादा दुखी बीमार हो गई, उल्टा दुखी बीमार हो गई ही, बहुत ज़्यादा दुखी बीमार हो गई। तो इस तो बाद औलाद बारे तो सोचना ही बंद करता, खुद बीमार रहना शुरू करता। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, बच्चे बारे तो अं भुल ही गए कि सानू बच्चा हैगा या बच्चा मिलेगा, इस बारे अं भुल ही गए ही। उस तो बाद 17 साल बीत गए मेरी मैरिज नू, सानू किसी ने प्रभु यीशु मसीह बारे शुभ समाचार दिता। अहीं उन्होंने कहा कि नहीं ये साडा धर्म नहीं आ, अहीं नहीं जा सकते किते। उस तो बाद खुद मैं ज़्यादा बीमार हो गई, जिन्ना सानू शुभ समाचार दिता अहीं खुद उन्होंने फोन लगाया कि सानू तुसीं यीशु मसीह ते लैके जाओ। फिर अहीं सुखपाल राणा चर्च विच आए, फिर जदों अहीं चर्च विच आए मेरे उपर दुष्ट आत्मा आया, उन्हें मैनू तरोड़ना मरोड़ना शुरू करता, मेरा बहुत बुरा हाल होया। फिर परमेश्वर दे दास ने दुष्ट आत्मा नू डांटिया। फ्रीश मसगनम चल शट, साल हो गए तो बच्चा नहीं होन दिता। कितने साल? 16 साल हो गए ते ना। कौन है तू? खेतर वाले हैं? खेतर वाले सारे खेतर वाले। ओए तू आया कितना है तेरे जीवन च? फ्री। फिर मेरे जीवन जो दुष्ट आत्मा उस वक्त चली गई, मेरी सारिया बीमारियाँ छोटिया मोटिया जिन्या भी सब दूर हो गई। मैं अपने जीवन जो बहुत खुश हुई कि इसते इतों मेरिया सारिया बीमारियाँ दूर हो सकदिया, तो मैं बेबी भी क्यों नहीं मिल सकता। फिर मैं अपने बेबी की भी आस जा गई कि इतों मैं बेबी मिल सकता वा। फिर मैं लगातार चर्च में आना शुरू किया। एक दिन परमेश्वर दे दास जी दे मुखों घोषणा हुई कि जिन्हां दे बेबी नहीं आ उन्हां नूं प्रार्थना कीते हुए दुपट्टे मिलणगे। फिर मैं भी अगे आई, मैनू भी प्रार्थना आया, दुपट्टा मिलिया। गैर भाषा आप कर रहे अभी, ये आपके कुक के बंधन टूट रहे, अभी आपके कुक के बंधन टूट रहे। कलीसिया जो आंखें खोल रही उनका आंख नहीं खोलनी, बस मन लगाना है। पर दुपट्टा मेन नहीं सी, मेन सी परमेश्वर दे दास नाल साडी मीटिंग होनी। उन्होंने चार बार साडे नाल मीटिंग कीती, प्रभु बारे सानूं दस्या, प्रभु दे वचनां बारे सानूं दस्या कि किस तरह तुहाडे जीवन च काम हो सकदा वा। फिर परमेश्वर दे दास ने साडे नाल चार बार मीटिंग कीती, सानूं वचन समझाए, असीं उन्हां वचनां ते रहे। जो काम 17 साल तों कदी वी मेरे जीवन दे विच नहीं होया वो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन दे विच कीता काम। उस तो बाद मैं प्रैगनेंट हुई, हुण मैनू प्रभु यीशु मसीह ने बेटे दे नाल ब्लैस कीता। प्रभु यीशु मसीह नू ना जानन करके मेरा जीवन बहुत सारा खराब सी, ते मैं प्रभु यीशु मसीह नू जान के जिस तरह बाइबल च लिखिया वा कि सच नू जानेंगे ते सच तुहानू आज़ाद करेगा, इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने मैनू आज़ाद किया, एक सोहने बेटे दे नाल ब्लैस किया। ते अज मेरा घर परमेश्वर ने बहुत खुशियां नाल भरता। मैं इस वड्डी गवाई लई परमेश्वर दा ते परमेश्वर दे दास दा बहुत सारा धन्नवाद करदी हाँ। सब नू जय मसीह दी। दिखाओ लोगों को ये बेटा जो 17 साल बाद दिया, इसकी शक्ल दिखाओ,
ये देखो कितना खूबसूरत है, इसकी पूरी टोपी उतार दो। अरे वाह वाह वाह, इसका नाम क्या है? रणबीर जोसेफ। रणबीर जोसेफ, अरे वाह, ये तो प्रभु के लोगों का नाम है, क्या बात है ये नाम की, रणबीर योसेफ, मतलब यूसुफ। अरे कितना सुंदर बच्चा, देखो कितना इसमें धीरज है, कितना नम्र है ये। अरे वाह, चलो हम इसे डेडिकेट करते हैं परमेश्वर के सामने इस बच्चे को, ताकि ये खुदा के काम करे। आंखें बंद करो, जिंदा खुदाबंद, इसे आपने पैदा किया अपने लोगों को जीतने के लिए और अपनी सामर्थ को प्रकट करके दिखाने के लिए कि आप जिंदा खुदा हो, जो संसार नहीं कर सकता, जो दुनिया सोचती है कि ये ईश्वर है, भगवान है, वहां से हो जाएगा, जो कहीं से भी नहीं होगा परमेश्वर, वहां से होगा। इस बच्चे को पैदा करके आपने प्रकट कर दिया, अब प्रभु यीशु अब जिंदा खुदा हो, अपने प्रकट कर दिया यहोवा पिता आप हो। इस बच्चे को आपके हाथ में देता हूं, इसे डेडिकेट करता हूं, इसे ब्लेस करता हूं आपके कामों के लिए, माता पिता के आज्ञाकारी बने, आपके वचन में बढ़े, रूहों को जीतने वाला एक सच्चा सेवक बने, यीशु मसीह के नाम से इसे ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं इस बच्चे को, यीशु के ब्लड में कवर करता हूं इस बच्चे को, खुदा ये तेरे कामों के लिए अभिषिक्त करता हूं इसको, यस आमेन। इस गुआई के लिए जोर से तारीफ करो, जोर से तारीफ करो। एक बार पट्टी साहब कुछ गाओ इनके इनके लिए, खुशी के लिए। हर खुशी मैनू ये सुने बखाइए, ऐसे खुशी बिच अख पर आइए, हर खुशी मैनू ये सुने बखाइए, ऐसे खुशी बिच अख पर आइए, हर खुशी मैनू ये सुने बखाइए, ऐसे खुशी बिच अख पर आइए, हर खुशी मैनू ये सुने बखाइए, ऐसे खुशी बिच अख पर आइए। नचने नू दिल करदा, ओ दे लोका विच तेरी मैं गवाहिए के नचने नू दिल करदा, हाँ ओ दे लोका विच तेरी मैं गवाहिए के नचने नू दिल करदा, ओ दे लोका विच तेरी मैं गवाहिए के नचने नू दिल करदा, दिल करदा।